सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल परवा एंड वॉन्ग। होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। बस आज संडे था और बस थोड़ा सा गुरुद्वारा साहब, मतलब डेली हम लोग कोशिश करते हैं कि संडे, एवरी संडे कि हम लोग गुरुद्वारा साहब ज़रूर जाएं, और हम जाते भी हैं। कभी कभी होता है कुछ अर्जेंट हो जाए या फिर वेदर ही अच्छा ना हो तो फिर हम लोग नहीं जाते, तो अदरवाइज़ हम लोग पक्का जाते ही हैं। तो आज बस गुरुद्वारा साहब गए, वहाँ पे एक कमर्शियल स्ट्रीट है बैंगलोर में, गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन वहाँ गए और वहाँ से सिर्फ आते। आज इस ब्लॉग में जस्ट मैंने एक और नया डेकोर तैयार किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो कि बहुत ही ईजी, आई थिंक हाफ एन आवर या फिर 10-15 मिनट में तैयार होने वाला, और मिनिमल चीज़ों से जो कि हमारे घर में होती ही हैं, जैसे आइसक्रीम स्टिक या कहीं से भी मिल जाएंगी, आप इजीली अवेलेबल जो चीज़ें हैं उन्हीं से बनेगा, और आप कहीं पे भी अपने जो भी लिविंग एरिया में लगा सकते हैं और बहुत अच्छा भी लगेगा। ये जो मेरे पीछे है इसी की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे मैंने ये रेडी किया था, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और बस हमें कुछ आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए इसके लिए, और एक ग्लू गन या फेविकॉल है आपके पास तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, और ऐसे इनके फोर के पहले मैं एक फ्रेम्स बना लूँगी, मुझे सिक्स चाहिए तो ऐसे मैं सिक्स बना लूँगी फोर स्टिक्स से। बस ऐसे ही सभी कंप्लीट करके फिर उसके बाद जो मुझे सेंटर वाला पीस है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, जिस पे मैं कुछ अपना शो पीस ऐसे कुछ भी रखना चाहूँ तो वो रख सकूँ, कैंडल्स हैं कुछ भी मुझे चाहिए, मतलब अच्छा लगे जो हम रख सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊँगे। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा स्टिक्स चाहिए होंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, आपको कितने फ्रेम्स चाहिए या कितना बड़ा चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। मैंने सिर्फ दो ही फ्रेम्स बड़े रखे हैं ऐसे, और इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया है, और साथ ही में मैंने ग्लू गन से एक डिज़ाइन सा दे दिया है इसको, ताकि वो एक मेटालिक सी लुक देगा अगर हम इसके ऊपर गोल्ड कलर करेंगे तो अच्छा सा एक लुक आएगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही ग्लू गन से डिज़ाइन बना लिया था। और जो साइड वाले फ्रेम्स हैं सिंपल जो बनाए थे मैंने, वो वाइट कलर कर रही हूँ, और वाइट करने के बाद सेम इसको भी वैसे ही ग्लू गन से डिज़ाइन दे दूँगी। यहाँ पे मैं बस इसको ऐसे रख के देख रही थी, और इनको सेट करना बहुत ही मुश्किल था, देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन उस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गई थी बहुत सारी, और मैंने इसको फिर उतारा, फिर दोबारा से लगाया, और फाइनली ये मैंने लगा दिया था। और ये देखिए ऐसे लुक आएगी, बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसको फिर वॉल पे स्टिक करना थोड़ा मुझे लगा कि इजी नहीं रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।